मेरा नाम अताउल मुनिम है और मेरा सवाल ये है कि मैं और मेरी दो बहनें जो हैं हम एक एक स्कूल में जाते हैं और क्लासों में जो है लड़के और लड़कियां जो होती हैं मिक्स होती हैं। तो मैंने ये कहा था कि क्लासेज जो है वो कभी तीन चार दिनों के लिए कहीं जाती हैं, क्या हम साथ जा सकते हैं या नहीं? इसका सवाल मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, अगर साथ जाने में कोई ख़तरा ना हो, अगर उस्ताद सारे साफ सुथरे लोग हों और कोई गंदे लोग ना हों तो और माँ बाप को तसल्ली हो तो बेशक छोटी उम्र के बच्चों को भेज दिया करें, लेकिन अगर उनको ये ख़तरा महसूस हो कि इससे मिक्सिंग करने से बच्चियों को खसूसियत के साथ ख़तरा है तो माँ बाप का फ़र्ज़ है कि फिर उनको ऐसी क्लासों में ना भेजें, बल्कि खुदामुल अहमदिया लजना अंसारुल्ला वगैरह इनको चाहिए कि ऐसे बच्चों के लिए ट्रिप बनाएं जो अहमदियों के ट्रिप हों और ऐसे बच्चों के दिल में ये हसरत ना हो कि हमें तो मज़ा ही नहीं आता, कोई मौका ही नहीं मिलता, गैर जो हैं स्कूल वाले उन बच्चों को फिराते हैं, ऐश कराते हैं। उसकी बजाय अगर अहमदी ख़ुद अपने बच्चों के ट्रिप बनाएं तो उनके बच्चों की हसरत निकल जाती है। अब लंदन में भी खुदामुल अहमदिया के ज़रिए या बाद दूसरे ज़राए से बच्चों के ट्रिप बनाए जाते हैं, नॉर्वे में लजना वालियाँ ये काम बहुत अच्छा करती हैं। तो यहाँ की जमात को मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर ये ख़तरा हो कि हमारे बच्चों पर ख़ुद असातिज़ा ही बुरा असर डालेंगे या दूसरे बच्चों की हरकतें बेहुदा हैं इनको भी ख़राब करेंगे तो फिर बेहतर यही अक्ल का तकाजा है कि उनको रोक लें, लेकिन उन बच्चों की खुशी के लिए उनकी सैर के लिए कोई दूसरा इंतज़ाम ज़रूरी है, वरना अहमदी बच्चों में एहसास महरूमी रहेगा, वो कहेंगे दूसरों के बच्चे तो दौड़ी फिरते हैं हर जगह, हमें महरूम रखा जा रहा है। तो मुतबादिल इंतज़ाम करना चाहिए फिर बुरे इंतज़ाम से रोकना चाहिए, समझ गए हो? जी। बैठ जाओ, शाबाश।